वेलकम आरसे ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आवर फिजिक्स क्लास। देखिए, सेकंड चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो गया था, उसके कुछ सवाल हम कर लेते हैं आज। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है आपको, कितना दे रखा है ये पृष्ठ आवेश घनत्व? 2.96 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 4×10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करनी। कल ही हमारा टॉपिक था आवेश साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। संतुलन के लिए आवश्यक शर्त क्या थी? संतुलन के लिए आवश्यक शर्त थी सिग्मा स्क्वायर बटे, क्या था बेटा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ε₀ 40/r। ये साबुन के बुलबुले के लिए संतुलन की आवश्यक शर्त थी, जहां दाब अधिक के शून्य हो जाता है। दाब अधिक के क्या सूत्र था? px ए प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ε₀ = 40/r। ध्यान दें कि ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है, कल गलती से इसमें माइनस लग गया था, इसको चेंज कर लेना। यहाँ px जो है आपका वो जीरो हो गया था, ये जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे जब यहाँ px को जीरो करें। px क्या है? px है दाब आधिक्य। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको जीरो कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 ε₀ = 40/r। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या हमें दिया है सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले देखो, हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्या क्या हमें दिया है वो लिख लेते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दिया है? एक तो रखा है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा आपको दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो जब भी हम न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो एमकेएस पद्धति में करते हैं। तो माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है? 10⁻ बोलो 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, तो इसको बदलेंगे क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू 2.96×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लिए माइक्रोकूलम को। अब देखते हैं और क्या दे रखा है हमें, तो और दे रखा है आपको पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 40 × 4 × 10⁻⁴। पृष्ठ तनाव को किससे दर्शाते हैं बेटा? टी से। और टी का मान क्या दे रखा है जाने क्या? टी का मान आपको दे रखा है 4×10⁴। मात्रा देखिए न्यूटन पर मीटर, तो एमकेएस में है न्यूटन पर मीटर, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए दो वैल्यू है हमारे पास और क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या। दो वैल्यू है सिग्मा की और आपके पास टी की, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है बुलबुले की त्रिज्या। तो देखिए ये याद रखना है, संतुलन के लिए जो आवेश द्वारा लगने वाला दाब है पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाले दाब के बराबर होता है। तो यहाँ से हम सूत्र बना लेंगे, सूत्र क्या बनेगा त्रिज्या का? यहाँ से सूत्र बताओ त्रिज्या का क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा, तो इधर की चीज इधर और इधर की चीज इधर, कैंची की तरह गुणा, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा बेटा? 8। ठीक है, टी ε₀ और ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें जब हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जो चीज हम याद करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या दी गई है और क्या हमारे पास नहीं है। जो चीज नहीं होगी वो या तो वो कॉन्स्टेंट होगा, स्थिरांक होगा, तो स्थिरांक का मान आपको याद रखना है। अगर स्थिरांक नहीं है तो कोई ना कोई लिंक होगा, उस लिंक की सहायता से हम
उसकी मान, उसका जो मान है उसको जानते कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें टी चाहिए, पर टी यहाँ पे हमारे पास है एक, हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा भी हमारे पास है, दूसरा हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है जाने का, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या था जाने का, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 मात्रा क्या था, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, सारे मान यहाँ रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मान रख देते हैं इसमें, इधर रख देता हूं मैं, तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई टी, टी का मान ये रहा 4 गुणा 10 की घात माइनस 4, एप्सिलॉन का मान कितना है मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा, एप्सिलॉन का मान ये रहा हमारे पास, ये मान भी रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास था 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, अच्छा अब हमारे सूत्र में देखो क्या बच गया, नीचे सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा स्क्वायर का मान ये रहा, हमने इसको बदल दिया था कूलम पर मीटर स्क्वायर में, ये मान यहाँ रख देंगे, तो ये था 2.96 गुणा 10 की घात कितना है माइनस का 6 और इसका स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले तो हम 10 की घातों की तुलना कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले नीचे स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, R इज इक्वल टू ऊपर वाली 10 की घातों की तुलना करें, 10 की घात माइनस 12 और 10 की घात माइनस के 4, घाते हमेशा जुड़ती है, तो 12 और 4 कितनी हो जाएंगी 16, तो यहां पे आ जाएगा यहां से 832। ठीक है, गुणा 8.85 गुणा 10 की घात 12 माइनस की और 4 कितने हो गए 10 की घात माइनस 12 और 4 16, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2.96 गुणा 2.96 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करते हैं एक चीज ध्यान रखना, 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, और अब आपको पता लग गया होगा घातें हमेशा जोड़ती है, कितनी हो जाएंगी 10 की घात माइनस 12। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आर का मान आ जाएगा, आर बराबर 32 और इसको इससे गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 32 गुणा 8.85 गुणा, देखो 10 की घात माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस के 12 और ऊपर है 10 की घात माइनस 16, तो माइनस 16 में से प्लस के 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 और 4 16, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस बच जाएंगे 4, और नीचे आ गया आपके पास 2.96 गुणा 2.96। ठीक है, अब सिंपल गुणा है, गुणा करना है सिंपल, इसका भी गुणा करना है। ठीक है, तो आपके पास जो R का मान है गुणा आपको खुद करना है, आंसर मैच करना, सही नहीं आया तो मेरे से पूछेंगे मैं गुणा करके बता दूंगा। ठीक है, ट्वेल्थ में हो गए हो, गुणा आपको आना चाहिए, अच्छे से करना ध्यान से। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.32 मीटर, यानी कि जो आवेश साधन का बुलबुला है उस बुलबुले की त्रिज्या कितनी आएगी 0.32 मीटर। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल को हल करते हैं, यहां से हमने त्रिज्या निकाली, एक और न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, ये पहला न्यूमेरिकल था, मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ जी, दूसरे न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या आपको दिया है, दी गई वैल्यू बताओ। देखो एक बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है, अंदर और बाहर दाब समान है, इसका मतलब संतुलन अवस्था में है। हाँ जी, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, आपको पृष्ठ तनाव दे रखा है तो हम लिख देंगे दिया है, ये लिखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल में दिया है, सॉल्यूशन करना है इसका। ठीक है, हाँ जी, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को किससे शो करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा का मान आपको दे रखा है 0.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
न्यूटन पर मीटर सॉरी। अच्छा ये बताओ एम के एस पद्धति में न्यूटन पर मीटर तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो दशमलव को बदल सकते हैं। दशमलव को बदले तो कैसे बदलेंगे बेटा, देखो जीरो पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास जीरो फोर अपॉन हम चाहते हैं पॉइंट का वन और वन और टू दो जीरो, तो ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा फोर मल्टीप्लाई टेन टू पावर नेगेटिव, प्लस का दो वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का दो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, चाहो तो ये भी रख सकते हो। हाँ जी सिग्मा दे रखा है और क्या दे रखा है तथा बुलबुले पर व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें त्रिज्या चाहिए तो व्यास डी मान लेते हैं व्यास, और व्यास आपको दे रखा है चार सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या का क्या सूत्र आ जाएगा आर बराबर व्यास बटे दो, अरे व्यास का आधा तो त्रिज्या होती है तो व्यास बटे दो, और व्यास कितना है चार सेंटीमीटर बटे दो तो आ गया दो सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर एम के एस पद्धति में है, एम के एस पद्धति में दूरी को किसमें लिखते हैं मीटर में, तो यहाँ पे मीटर में लिखेंगे क्या लिख सकते इसको दो गुणा दस की घात माइनस का दो मीटर। अरे क्लियर है ठीक। हाँ जी अब हमें क्या याद करना है वो देखो, हमें बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना है, बुलबुले पर क्या ज्ञात करना है आवेश का मान। तो देखो सिग्मा आपको दे रखा है ये सिग्मा और ये आर, ये तो मैं रख लेता हूं। अब हमें सूत्र पे जाना है, आवेश का सूत्र क्या है Q बराबर ध्यान रखना 4 पाई अंडर रूट, कल ही याद किया है, अरे ध्यान है कल ही याद किया था, तो फॉर्मूला है 8T बताओ 8T एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास क्या क्या तो है और क्या नहीं है, तो सबसे पहले हमें यह बताइए कि पाई का मान आपको पता है, पाई का मान क्या होता है 3.14। पृष्ठ तनाव, तनाव का मान क्या है हमने गलती कर दी क्या, हाँ ये टी है बेटा पृष्ठ तनाव, सिग्मा नहीं है, सिग्मा क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, टी आपके पास है टी है, टी भी आपके पास है एप्सिलॉन जीरो स्थिरांक है, इसका मान हमें पता है क्या होता है स्थिरांक का मान ध्यान है क्या एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर, और आर का मान भी आपके पास दिया है, सारे मान रख देते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो सारे मान इसी में रखेंगे तो Q इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4, पाई का मान बताओ 3.14 अंडर रूट 8, टी का मान ये रहा टी का मान तो इसको रख देंगे 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर नेगेटिव 2 है ये, और एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 अंडर रूट को बड़ा कर दीजिए सारी चीजें अंडर रूट में है, और आर का मान ये रहा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 इसको रख दो तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का आ गई सारी चीजें सारे मान आ गए। हाँ जी सॉल्व करते हैं इसको तो Q बराबर इसको गुणा कर लेना 4 मल्टीप्लाई 3.14 और यहां से 832 ठीक है, और यहां से क्यूब में 2 है 2 दो 4 चार 8 आठ आठ 64 64 गुणा 4 ठीक है गुणा 8.85 और 10 की घात माइनस 2 12 10 की घात माइनस 14 और इसका क्यूब करेंगे 10 की घात माइनस 2 का कितना होगा भाई कैसे लिख सकते हैं क्यूब को 10 की घात माइनस 2 की क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 तो कितना जाएंगे 10 की घात माइनस 6 2 और 4 तो 6 तो आ जाएगा यहाँ से 10 की घात माइनस 6 ठीक है, तो यहाँ से 10 की घात कितनी हो गई 14 और 6 20 इसको गुणा कर लेंगे 64 से 64 कर ले लूँ अरे 8 और 64 तो Q इज इक्वल ऊपर लिख देता हूँ मैं तो आपके पास आ जाएगा मैं मार्कर चेंज कर लूँ आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू ये चलिए ना Q इज इक्वल टू यहाँ से 64 से 8 बार आ गए तो 4 गुणा 8 गुणा 3.14
अंडर रूट में क्या क्या बच गया वो देखिए, एक तो चार, अब चार को बाहर निकालेंगे, चार का दो हो जाएगा, तो दो से इसको गुणा करेंगे तो आठ हो जाएगा, ठीक है, तो ये चार भी आ गए। अब अंदर बच गया 8.85 गुणा 10^-20, ठीक है। अब देखो 10^-20 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा Q इज इक्वल टू 8.64 गुणा 3.14 अंडर रूट 8.85, और इसको लिख सकते हैं 10^-10^2। देखो 20 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, और जब 20 को ऐसे लिखेंगे तो इसको 8 से अंडर रूट कट जाएगा, 10^-10 12 आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, देखो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 64 गुणा 3.14, और यहां से स्क्वायर करने से 10^-10^12 आ गया और अंडर रूट बच गया 8.85, ठीक है। अब आपके घर के लिए 8.85 का अंडर रूट करके आना, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में खूब पढ़ा आपने, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास जब फाइनल रिजल्ट आएगा मैं लिख देता हूँ, और फिर आपको चेक करना है कि आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास क्यू का जो मान आएगा वो आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो आपके पास आएगा 59.8 × 10^-9 पूरा, ठीक है। अच्छा ये आंसर आएगा 10^-9 को क्या लिख सकते हैं, मिली माइक्रो नैनो पी को मैंने बताया था, तो ये नैनो है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे Q इज इक्वल टू 59.8 नैनो कूलम। ध्यान से देखें तो 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10^-9 कूलम, तो 10^-9 को क्या लिख सकते हैं 1 नैनो, ठीक है, तो 1 नैनो कूलम ये आंसर आपका आना चाहिए जब इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट आप करोगे खुद, ध्यान दे लो इधर, ठीक है ना, अंडर रूट करके बताओगे नहीं थप्पड़ लगेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक न्यूमेरिकल केस जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, कल और कर लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, क्लियर।